हाय गाइस, दिस इज प्रीति पावा. वेलकम बैक टू माय चैनल. और आज के इस वीडियो में मैं जो लुक क्रिएट करने जा रही हूँ वो है पार्टी मेकअप फॉर एक्ने प्रोन एंड ऑयली स्किन. सो गाइस, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन सपोर्टिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति पावा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप आप ठीक होंगे. क्वारंटाइन है, हम बाहर नहीं निकल सकते, हम बहुत परेशान हैं. तो आई होप आप इस सिचुएशन में अपने घर हैं, सेफ हैं, अपनी फैमिलीज के साथ हैं. और प्लीज़ 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 बाहर मत जाएं, ना बाहर का खाएं. गाइस, आज हम करेंगे पार्टी मेकअप फॉर ऑयली स्किन. ऑयली स्किन प्लस एक्ने प्रोन स्किन. मेरी खुद की स्किन ऑयली है, प्लस मुझे इस टाइम पे एक्ने भी हो रहे हैं. उसका रीज़न है कि यूजुअली मैं जब अपने सैलून जाती हूँ तो मैं ज़्यादा मेकअप अप्लाई नहीं करती. आई यूज हैंडमेड प्रोडक्ट्स ओनली. लेकिन अब वीडियोस के लिए मैं अपने फेस पे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे फेस पे दाने हो गए हैं जो मुझे भी बहुत बुरे लग रहे हैं. बट कोई बात नहीं. सो गाइस, या मेरा अपना सैलून है, ये बात मैंने आप लोगों को आज तक शेयर नहीं करी है. रोहिणी में मेरा सैलून है. इस टाइम पे हम सैलून ओपन नहीं कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों से यूट्यूब पे मिल रही हूँ. सो गाइस, ऑयली स्किन पे हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि हम कुछ भी अपने फेस पे अप्लाई करें तो हमारा फेस इतना ऑयल शो करता है हमारे फेस पे कि हमें पैची लगने लग जाता है फेस, और फेस पे ग्लो नहीं रहता. आपके फेस पे मेकअप कई बार स्टे भी नहीं करता. आप बहुत परेशान होते हो कि हमने मेकअप करवाया है मार्केट से या खुद किया है, लेकिन ऑयली स्किन की वजह से फेस आपका डल लगने लग जाता है. मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप आप ऑयली स्किन पे, अगर आपकी स्किन ऑयली है या आपकी स्किन ऑयली के साथ एक्ने है आपकी स्किन पे, तो आप मेकअप कैसे कर सकते हो. सो गाइस, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है टोनर. आपको अपने फेस पे टोनर अप्लाई करना है सबसे पहला. फेस स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी मेकअप अप्लाई करने से पहले आपने टोनर अप्लाई करना है. लगाना है. अगर तो आप डे मेकअप कर रहे हो, अगर आपको दिन में बाहर जाना है और आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप मॉइस्चराइजर के साथ साथ सनस्क्रीन भी अप्लाई करें अपने फेस पे. मैं यूज कर रही हूँ जोव्स का मॉइस्चराइजर अपने फेस पे. आप कोई भी लाइट वेट मॉइस्चराइजर को लेके अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं. एक एक ड्रॉप लेके आपने अपने पूरे फेस पे को रब कर. गाइस, थर्ड मैं अप्लाई करूँगी प्री बेस. मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर आज अपने फेस पे. कोई भी आप मेकअप करते हैं, चाहे आप पार्टी मेकअप कर रहे हैं, चाहे आप डे मेकअप कर रहे हैं, चाहे आप अपनी खुद के फंक्शंस का मेकअप कर रहे हैं, हैवी मेकअप कर रहे हैं, लाइट मेकअप कर रहे हैं, तो प्राइमर हमारे फेस के लिए बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आप प्राइमर अप्लाई करने के बाद आपका जो फाउंडेशन है, आपका जो फेस पे आप जो भी अप्लाई करते हो वो स्टे करता है, प्लस पैची नहीं होता, प्लस आपका फेस जो है वो बहुत ग्लोई रहता है. तो गाइस, हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है कलर करेक्ट. अगर आपके फेस के एक्ने हैं, जैसे आप देख सकते हैं मेरे इस साइड पे एक्ने हो गए हैं, इधर भी हो गए, छोटे 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 दाने हैं अपने फेस पे इस टाइम पे, तो मेरे फेस पे कलर करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. कलर करेक्टर का क्या इम्पोर्टेंस होती है? कलर करेक्टर से जो भी आपके फेस के डार्क स्पॉट्स, एक्ने, पिगमेंटेशन, जो भी आपके फेस की प्रॉब्लम्स हैं, वो कलर करेक्टर से हमें सबसे पहले हाइड करनी पड़ती हैं. जैसे कि मेरे फेस पे एक्ने हो रहे हैं, तो मैं वहाँ लगाऊंगी ग्रीन कलर का कलर करेक्टर अपने फेस पे. साइड भी मेरे आपको दिख रहे होंगे, दो तीन दाने हैं. गाइस, आप देख सकते हैं मैंने कलर करेक्टर अपने फेस पे एक्ने का कर दिया है. अब मैं अपने डार्क स्पॉट्स को हाइड करूंगी. मैं डार्क स्पॉट्स को हाइड करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 का कलर करेक्टर.
लाकर है। मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने कलर करेक्टर को एब्जॉर्ब कराऊंगी अपने स्किन पे। हम यूज करने जा रहे हैं फाउंडेशन। अगर तो आपके फेस के एक्ने है तो आपको मैट फिनिशिंग फाउंडेशन यूज करनी है। तो गाइस मैं यूज करने जा रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की फाउंडेशन। गाइस मेरे फेस पे फाउंडेशन ब्लेंड हो चुका है। अब मैं अपने फेस के हाइलाइटिंग पॉइंट को कंसील करूंगी। कंसीलर मैं जो यूज करने जा रही हूँ वो है लैक्मे एब्सोल्यूट का कंसीलर अपने फेस पे। अब हम करेंगे आई शेड। तो जो मेरा आज का आई शेड रहेगा गाइस वो बहुत सेटल रहेगा, बहुत न्यू रहेगा, कोई ग्लिटर नहीं कुछ नहीं। तो आप इस आई शेड को डे में भी कैरी कर सकते हैं, इवन नाइट में भी कैरी कर सकते हैं। तो गाइस मैं यूज़ करने जा रही हूँ मेबी न्यूयॉर्क की आई शेड पैलेट और इसका मैं यूज़ करने जा रही हूँ ये वाला शेड अमिल क्रीज पे, दिस शेड। तो गाइस मैं अपने आउटर वी पे यूज कर रही हूँ ये ब्लैक शेड। तो गाइस अब मैं यूज कर रही हूँ ये वाला शेड अपने आईज पे। सेम शेड से अपने इनर कॉर्नर्स को भी फिल करूंगी। अब मैं सेम वही ब्राउन आई शेड अपनी अंडर आईज भी लगाऊंगी। गाइस मेरा आई शेड हो चुका है। मैंने किया है एक न्यूड स्मोकी आई शेड अपनी आईज पे आज। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है ब्लशर। सो आज की इस वीडियो में मैं यूज करूंगी लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लशर अपने फेस पे। मेरा ब्लशर हो चुका है। अब मैं यूज करूंगी हाइलाइटर अपने फेस पे। यूज करूंगी कॉलरसर का काजल अपने इनर आईज पे। अब मैं यूज करने जा रही हूँ मस्कारा। मस्कारे के बाद मैं लगाऊंगी आईलैशेस। तो गाइस मेरा मस्कारा हो चुका है। अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। मैं यूज कर रही हूँ स्टे कॉल की लिपस्टिक अपने लिप्स पे और मेरा फाइनल लुक कंप्लीट होने वाला है। सो गाइज दिस इज माई फाइनल लुक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक माई वीडियो एंड डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। सो गाइज कंसील करने के बाद मैंने लॉरियल मैट मैजिक से अपने कंसीलर को सेट किया है, लेकिन ये वीडियो मेरी रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो गाइज मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कंसील करने के बाद अपनी आईज को अपने कंसीलर को सेट करने के लिए पाउडर से सेट किया है। तो आप कोई भी अच्छे पाउडर से अपने कंसीलर को सेट कर सकते हैं।